चली गई जिधर जो मोड़ आया मुड़ती चली गई। न जानो मैंने क्या गलत है क्या सही, न जानो मैंने क्या गलत है क्या सही। मैं बढ़ती 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 चली गई, हवा का झोंका हूँ मैं उड़ती चली गई। जिधर जो मोड़ आया मुड़ती चली गई। थैंक यू। एक मिनट फिक्स दे देता हूँ थोड़ा सा बाहर। लाइट इज देन मोर फिट। इधर से मोशन निकलाई। वेट वेट लुक सेंटर पर क्लोज ले रहा हूँ माइक के साथ। थोड़ा माइक हाँ थोड़ा हाँ या एक बार कवर करते हुए तो मशीन आगे जाओ आगे जाओ तीनों जाओ ना। टेन सर हाँ चलो बैठ मैम थोड़ा सा गया थोड़ा सा बस कलर टोन ओके है माइक इंक्लूड है ना। हाँ सर रोलिंग रोल सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के जो स्टूडियो में पहुंचे हैं क्या है? अभी मैंने ख़त्म की है रिकॉर्डिंग फॉर दी फिल्म। आज मेरा ऑडिशन है। राणा जी इसके प्रोड्यूसर हैं और ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्यूटीफुली कंपोज बाय राजेश जी। पहली बार मैं उनके साथ काम कर रही हूँ लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगा गाना। मैंने पूरी कोशिश की मन लगा कर गाने की दिल से गाने की। ऐसा टॉपिक है फिल्म का भी एस्पायरिंग एक्टर्स पर यह फिल्म बन रही है एंड गाने के जो बोल हैं अतुल मिश्रा जी एंड सिमी वर्मा ने लिखे हैं ऐसे बोल हैं जिनसे आई थिंक हर कोई रिलेट कर सकता है। हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है लाइफ का सो बस उसी से जुड़ा गाना है। उम्मीद है जितना प्यार मेरे अभी तक के गानों को मिला है उतना ही प्यार इस गाने को भी मिले। संघर्ष की लाइनें क्या आपको भी जहन में आ गई अभी गाना गा के? वैसे मैं बहुत लकी रही हूँ बॉलीवुड में इतना स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा बिकॉज सलमान खान सर की वजह से मुझे पहला ब्रेक बहुत जल्दी मिल गया था। बट डेफिनेटली स्ट्रगल हर किसी का होता है। स्ट्रगल के मायने अलग अलग होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में तो क्या इसीलिए मैंने कहा हर कोई रिलेट कर पाएगा और मैं भी बहुत रिलेट कर पाएगा। एक सिंगर का एक फिल्म के लिए क्या योगदान रहता है? फिल्म हिट हो जाती है जैसे आपने बोला। आई थिंक सिंगर्स बहुत छोटा हिस्सा होते हैं फिल्म का लेकिन म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान होता है। म्यूज़िक डायरेक्टर्स का लिरिसिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। सिंगर्स आते हैं स्टूडियो में एक घंटे में गाना गा के चले जाते हैं और बहुत क्रेडिट मिलता है सिंगर्स को। हम लोग ऑल ओवर दी कंट्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स करते हैं वो गाना हमारे नाम से जाना जाता है। बट आई थिंक क्रेडिट म्यूज़िक डायरेक्टर्स को लिरिसिस्ट को भी मिलना चाहिए एंड आई थिंक उन लोगों का ज़्यादा योगदान होता है। इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? जैसे कि मैंने कहा उम्मीद है बिकॉज जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ आज मेरा ऑडिशन है फिल्म का जो मैंने गाना गाया है आई होप उसे उतना ही प्यार मिलेगा उतना ही सुपर डुपर हिट आप लोग बनाएंगे अपने प्यार से जितना कि मेरे पिछले गानों को बनाया है। हर किसी का एक सपना होता है कि पहला आपका कौन सा ऐसा था जो एक पहचान मिली आपको? लापता फिल्म एक था टाइगर से जो गाना था वो मेरा पहला गाना था लेकिन मुझे पहचान डेफिनेटली आशिकी 2 से मिली। आशिकी 2 के बाद मैंने इतने सारे गाने रिकॉर्ड कर लिए लकीली जब भी कोई नया गाना आने लगा सुपर डुपर हिट बन गया। सो आई थिंक बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ मैं खुद को बिकॉज मुझसे बेटर बहुत सारे लोग गाते हैं मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क बहुत सारे लोग करते हैं पर मुझे इतना प्यार मिलता आ रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस जो भी गाना गुनगुनाएंगे एक लाइन हवा का झोंका हूँ मैं उड़ती चली गई जिधर जो मोड़ आया मुड़ती चली गई। न जाना मैंने क्या गलत है क्या सही न जाना मैंने क्या गलत है क्या सही। मैं बढ़ती 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 चली गई। एक कैमरा है ये हाँ सर आपका नाम?
मेरा नाम जसविंदर सिंह राणा है। राणा जी, बात करें, आपने पलक को ही क्यों चुना? मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, या इतने बड़े स्टार होने के बाद भी इन्होंने खाली मेरा कॉन्सेप्ट सुन के उन्होंने हाँ कर दी। नहीं तो आज के जो इतने बड़े जाते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते मेरे लोगों के साथ में। मैं इनका वाकई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बिल्कुल मेरे गाने को बहुत सुने और इन्होंने हाँ कर दी। फिल्म का टाइटल जो है बहुत ही अजीब है, वो क्या कैसे जहन में? नहीं, अजीब नहीं है। मैं इस लाइन में 30-35 साल से हूँ और एक बात हमेशा छुपती थी, आदमी बॉडी बनाता है वो अपना मुसलमान समझ लग जाता है, लड़की खूबसूरत होती है वो सोचती है जाऊँगी और पुरुष को अंदर कर लूँगी। मैंने एक माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ आज के बच्चों को, अपनी तैयारी करके आओ, स्टार बन जाओगे, आपने आधा होना चाहिए बस। सिंगर के साथ एक एक्टिंग में भी अच्छे कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्टर भी हूँ। नहीं, अगर पलक की बात करें, नहीं, रिक्वायरमेंट है एक्टिंग की, मेरे को लगा, लेकिन मेरे को लगा ज़्यादा हो जाएगा। मैं आज इनसे बोलने वाला था कि मैडम अब थोड़ा सा आगे चले। सिंगर जो है एक एक्टिंग में भी आगे हैं, आप क्या क्षेत्र में आएंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं बचपन से एक सिंगर बनना चाहती थी, और अब जब आई थिंक दी बेस्ट फेज ऑफ माई करियर चल रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहूँगी। एंड इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, मैं खुद को बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं मानती हूँ। मैं आज बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा पहली मुलाकात ज़्यादा हो जाएगा। आपको ऑफर मिल गई है? हाँ, उनको ऑफर है जी। और मैं एक बात इनके लिए बोलूँगा, मैं भी इंदौर का हूँ, ये भी इंदौर की हैं, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात आज फर्स्ट टाइम हुई है। इनका बहुत छोटी सी ये थी और ये गाने गाती थी, उनको जो पैसा मिलता था इन्होंने हज़ारों बच्चों का इलाज करा है। आज जो है ना, इनको दुआ सही है, इनको बहुत लोगों की दुआ इनके साथ में, ये हमारे शहर की शान है। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हवा का झोंका हूँ मैं, उड़ती चली। मंजिलों की रास्तों से मैं जुड़ती चली गई।